गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। ओके, लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्राइंगल की, विच वॉज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी तो आपको याद रखनी ही है। नई जो प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की वो मैं आपको बताता हूँ, जिसके बेस पे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के सम्स होंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एक और होती है कि कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो स्केलियन ट्राइंगल हो, वो किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो, है ना, वो किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो, है ना, कोई भी आप ले लो ट्राइंगल, ठीक है, इनके एंगल्स, तीनों एंगल्स को अगर प्लस करेंगे तो वो होगा 180 डिग्री। तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो होगा 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करो, इसको 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 या इसे इसे और इसे, इन सब का सम आता है 180 डिग्री। तो इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज में 6.3 पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। उसमें क्या है, जनरली आपको दो एंगल्स दे दिए जाएंगे, तीसरा एंगल पूछेंगे। जैसे सपोज करो ये एंगल दे दिया, ये 60 डिग्री है और ये दिया ये 50 डिग्री है, तो अब आपको बताना है तीसरा एंगल क्या है। तो कैसे करेंगे, हमको पता है इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो मतलब x प्लस 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। इक्वेशन बन गई, आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपका डिग्री आ जाएगा कि वो कितने डिग्री का है, सिंपल एज इट इज़। ओके, और इसी के इसी एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन में आपको दो तीन कॉन्सेप्ट जो आपने पहले पढ़े हैं वो आपको मिक्स करके लगाने होंगे। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है ऑल द थ्री एंगल्स एडेड इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो उसका आंसर 180 डिग्री आएगा। एक तो ये, दूसरा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में इक्वेशन पढ़ी थी, एक वो, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, कोई भी वर्टिकल दो लाइनें हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सेम होंगे। ट्राइंगल में ये कैसे बनता है, जैसे कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाली लाइन एक्सटेंड कर दी मैंने और ये वाली लाइन एक्सटेंड कर दी, और ये मैंने बोला ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये अंदर वाला एंगल भी इसके 60 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और चौथा कॉन्सेप्ट है लीनियर पेयर का, मतलब अगर ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है और ये वाला एंगल, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसमें से एक एंगल दे दिया जाए, जैसे कि ये 110 डिग्री है, तो ये क्या होगा, हमको पता है दिस प्लस एक्स इज 180 डिग्री, 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप एक्स की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। ओके, ट्राइंगल में ये कॉन्सेप्ट कहाँ काम आता है, इस तरीके से ये ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये एंगल मुझे पता है ये 120 डिग्री है, तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ इस बेस पे, लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट पे। लीनियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, तो ये होगा x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 हो गया। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब इन्हीं तीन चार इक्वेशंस के बेस पे, प्रॉपर्टीज के बेस पे आपको ये वाले सम्स करने हैं क्वेश्चन नंबर टू के। क्वेश्चन नंबर टू के बड़े ही इंटरेस्टिंग सम्स है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमको अगर x निकालना हो, अभी इस y को भूल जाओ, अगर हमें x निकालना हो, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक इंटीरियर एंगल पूछा है, तो आप निकाल सकते हैं। और जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब x की वैल्यू प्लस ये 50 प्लस y आपको 180 डिग्री देगा। तो इस बेस पे आप x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फिर आप लगाएंगे कि ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वन एडेड टुगेदर गिव्स यू 180, उससे ये आपका आंसर निकल जाएगा। इधर आपका x निकलेगा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के कॉन्सेप्ट से, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, वो निकल जाएगा, और y निकल जाएगा आपका विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसी तरीके से आपको यहाँ पे इक्वेशंस बनाती जानी है सम्स में और आपको सॉल्व करते जाना है।
ठीक है। ये एक्सरसाइज के बाद एक ट्राइडीज भी है, ये भी आपको करनी है आज ही के असाइनमेंट में, ठीक है। इसी का ही वर्ड प्रॉब्लम्स का वो है, बेसिकली मॉड्यूल है। इसमें डायग्राम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम से पूछा गया है, जैसे कि टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 30 and 80, फाइंड द थर्ड एंगल। आपको दो एंगल पता है, आपको थर्ड एंगल निकालना है, निकाल सकते हैं। वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 80 डिग्री, ठीक है, एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। मतलब इसमें पूछा गया है कि ट्राइंगल का एक एंगल 80 डिग्री है और बाकी के दो एंगल सेम है। जैसे कि ये ट्राइंगल है, एक एंगल जो है ये है 80 डिग्री, और ये जो दो एंगल हैं ये दोनों इक्वल हैं। मतलब अगर एक को x मान लो तो दूसरा भी x है। अब इससे इक्वेशन बन सकती है, बन सकती है x plus 80 is equal to 180। x plus x कितना हुआ, 2x plus 80 is equal to 180। अब ये इक्वेशन बन गई 2x plus 80 is equal to 180। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके आपका आंसर इजीली आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:2:1। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, क्लासीफाई द ट्राइंगल इन टू टू डिफरेंट वेज। ये आपको रेशियो दिया हुआ है ट्राइंगल के एंगल्स का, 1:2:1। मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर इसका ये एक हिस्सा है, वन है, सपोज करो एक्स है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, 2x होगा, और तीसरा क्या होगा, फिर से 1x होगा। 1:2:1 का रेशियो है, ये आ गया। आपको तीनों एंगल को जब प्लस करते हैं तो क्या बनता है, तो x plus 2x plus x is equal to 180 degree, जो कि हो जाएगा आपका 4x is equal to 180 degree। इस इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और उसी बेस पे आपका x निकल जाएगा और ये तीनों एंगल्स निकल जाएंगे। और जब आपके ये तीनों एंगल्स निकल जाएं तो आपको इस ट्राइंगल को, जो ट्राइंगल बना है, उसको आपको क्लासिफाई करना है साइड्स और एंगल्स के बेस। ओके, सो दैट इज योर असाइनमेंट फॉर द डे। यू हैव टू डू एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 122 पे ट्राई दीज के ये तीन क्वेश्चंस, ये आपको करके मुझे सबमिट कराने हैं। एंड द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ओके क्लास, थैंक यू।